Assalamu alaikum, my beautiful viewers. This is Gohar and you are watching Gohar Mohsin Vlogs. Welcome to another video. तो आज हम जा रहे हैं टाउन सेंटर. इट्स इवनिंग. इवनिंग क्या, यहाँ पे तो आजकल 3:30-4 बजे तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, मगरिब हो जाती है. अभी हम जा रहे हैं टाउन सेंटर की तरफ, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ. So we were reached and after parking car in the car park, we were going to Selfridges. अभी आप ये building देख रहे हो जिसपे silver bubbles हैं, तो that's the beautiful and elegant building exterior and the name of this building is Selfridges. और अभी हम एक bridge पे खड़े हुए हैं and that bridge connects the car park to the Selfridges. और जैसे मैंने आपको last video में बताया था कि Birmingham की कुछ बिल्डिंग्स का एक्सटीरियर बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है एंड दिस सेल्फ्रिजेस इज़ वन ऑफ देम. इफ़ एवर यू कम टू बर्मिंगम तो ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, यू मस्ट विज़िट इट. What is Selfridges? Selfridges is you may say it's a shopping center. भी बड़े बड़े brands की shops हैं यहाँ पे. तो अभी हम चलते हैं अंदर, तो मैं आपको दिखाती हूँ बड़े बड़े brands की prices भी और आपको हैरान कर दूँगी. तो यहाँ पे जितनी हाई प्राइसेस थी, इवन सेल पे भी जो प्रोडक्ट्स थी उनकी भी इतनी हाई प्राइस थी कि आई वाज सरप्राइज्ड. और मैं अपने हस्बैंड से कह रही कि ये कौन ख़रीदता होगा इस तरह की चीज़ें. आई मीन एक चीज़ की इतनी वर्थ ही नहीं है, तो व्हाई पीपल बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स. मीन 150 पाउंड का कोट, एक जस्ट एक कोट, आई डोंट नो मतलब कैसे लोग ख़रीद लेते हैं इतनी महंगी चीज़ें. आई मीन जिनकी वर्थ भी नहीं है. एक तो होता है ना कि लाइक इट वर्थ, कि आपने अगर महंगी चीज़ ख़रीदी है तो इट वर्थ, कि उसकी अच्छी खासी वर्थ भी हो उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग, तो इट्स ओके. सेकंड थिंग इज़ इफ़ इट्स अफोर्डेबल फॉर यू देन इट्स ओके, वट एवर यू वॉन्ट टू गेट. तो मैं तो हैरान थी कि कौन ख़रीदा होगा, और देन मेरे हस्बैंड ने मुझे याद करवाई हमारे फेमस पॉलिटिशियन, मैं नाम नहीं लूँगी, उनकी वॉच, मिलियन डॉलर वॉच याद करवाई मेरे हस्बैंड ने मुझे. तो मेरे जहन में ये बात आई कि हाँ जी, बहुत से लोग हैं ऐसे जो अफोर्ड कर सकते हैं, और आई थिंक ये चीज़ें बनी भी उनके लिए ही हैं. एनीवे मुझे तो ज़्यादा यहाँ पे जो क्रिसमस डेकोर था वो अट्रैक्ट करा था एंड आई वाज कैप्चरिंग इट फॉर यू गाइस. अभी भी इस तरह की फजूल टाइप की शॉपिंग नहीं करती जिसकी वर्थ ही ना हो. मीन अगर आप एक वॉच ले रहे हो, अगर आप 10 पाउंड की ले रहे हो, और अगर आप 100 पाउंड, वट एवर, जितनी मर्जी महंगी लो, टाइम तो सबने सेम ही बताना है. और आफ्टर दैट अगर आपको ये बताना पड़े कि ये दिखा के बताना पड़े कि ये जी 100 पाउंड की वॉच है एंड इट्स फलां ब्रांड एंड दिस एंड दैट, तो इट लुक्स सो ऑकवर्ड. बिकॉज अगर आपने कोई एक्सपेंसिव चीज़ पहनी हुई है तो आई थिंक वो दिखनी चाहिए, ना कि आपको बताना पड़े कि ये इतने की है, इतनी प्राइस है इसकी. आई थिंक आपको बताना भी ना पड़े, और अगर इतनी महंगी चीज़ है तो वो दिखनी चाहिए. आपका क्या ख्याल है इस बारे में, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा. एनी वे, लेट्स एन्जॉय दी डेकोर.
एंड आई सॉ दिस बिग बिग सैंडल देयर. और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका मटेरियल क्या था, जो कि मुझे भी बिल्कुल पास जाके अंदाज़ा हुआ कि ये कुकिंग पॉट्स का बना हुआ था. आई वॉज सरप्राइज्ड कि कितनी खूबसूरत चीज़ बनाई हुई है ये उन्होंने. दैट वॉज द ओनली थिंग देयर विच अट्रैक्ट्स मी. और आप भी देखें कि कितनी खूबसूरती से बना हुआ है ये. तो कुकिंग पॉट्स को देख के मुझे याद आया कि मैं आपके साथ काफ़ी कुकिंग की रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, तो आई थॉट कि अभी कुछ डिफरेंट होना चाहिए, कुछ डिफरेंट शेयर करूँ. आई होप सो आप इसको एंजॉय करोगे. तो अभी हम आ चुके हैं बुल रिंग में सेल्फ्रिज से निकल के, एंड इट्स द डेकोरेशन इनसाइड बुल रिंग. So that's the bull, जो कि beautifully decorated for the Christmas, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. That's the attraction of bull ring. Bull ring basically is the name of shopping center, and it's the bull due to which its name is bull ring.
एंड नाउ एट द लेफ्ट साइड यू कैन सी दैट्स जर्मन मार्केट जो कि मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर की थी एंड एट द राइट साइड दैट्स दी स्टॉल जो कि मैं जब भी बर्मिंगम टाउन गई हूँ ये लाजमी मुझे स्टॉल नज़र आता है. आई डोंट नो कि ये 7 days ही होता है बट मैं जब भी गई हूँ ये लाजमी होता है. इफ़ यू वॉन्ट फ्री कुरान बुक देन यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर एंड दे गिव कुरान पाक एंड दे कलेक्ट चैरिटी एंड इट्स द पर्पज़ ऑफ दिस स्टॉल देयर. आप जब भी बर्मिंगम टाउन जाएँ आप इस स्टॉल पर लाजमी विज़िट कीजिएगा. और ये थी मेरी आज की वीडियो, ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने आपको बर्मिंगम टाउन सेंटर का विज़िट करवाया है. तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.